धर्म पत्नी, इसी नाम से एकता कपूर अपना नया शो लेकर आ रही हैं, जिसे लेकर अभी से ही लोगों में क्रेज बन चुका है। शो के लिए हीरो तैयार है, हीरोइन तैयार है, यहाँ तक कि विलन भी रेडी है। जी हाँ, जहाँ फहमान खान और स्वर्धा थिगले लीड रोल में नजर आएंगी, तो वहीं खबरें हैं कि एक्टर आकाश जग्गा निभाएंगे शो में विलन का रोल। कुल मिलाकर देखें तो एकता की नए शो की कहानी तैयार है, लेकिन भाई सवाल ये है कि एकता कपूर इस बार क्या नया ट्राई करना चाहते हैं? आखिर इस बार एकता ऐसा क्या लेकर आने वाली है जो हिट हो? देखा जाए तो एकता कपूर की किस्मत पिछले कुछ सालों से उनके पुराने मोहरों पर ही चल रही है, और उनके पुराने मोहरे वो शो हैं जो पिछले 5 से 6 सालों से चली आ रहे हैं, फिर चाहे वो नागिन हो, कुमकुम भाग्य हो या फिर कुंडली भाग्य हो। लेकिन एकता कपूर का कोई नया मोहरा हिट नहीं हो रहा। एकता कपूर के किसी भी नए मोहरे या यूं कहें कि शो की ऐसी चाल नहीं जिससे लोग उसका नाम लेकर खूब वाहवाही करें या टीआरपी में ये शो बवाल मचाए। पहले जमाने में एकता कपूर के शो का टीवी पर आना मतलब उसका हिट होना तय माना जाता था। जिस भी शो से एकता का नाम जुड़ता, लोग खींचे चले आते और वो सालों साल लोगों के दिलों पर राज करता था। लेकिन अब सवाल ये है कि अपने नए शो धर्मपत्नी में एकता कपूर क्या नया ट्राई करने वाली है? आखिर इस बार एकता के दिमाग में ऐसा क्या चल रहा है जिससे इसकी कहानी अलग ही तरीके से लोगों के दिमाग में वर्क करेगी? शो का नाम है धर्मपत्नी। ये टाइटल आज के वक्त के हिसाब से देखा जाए तो नया नहीं लगता। तो क्या एकता कपूर अब धर्मपत्नी के जरिए एक रेट्रो यानी कि पुरानी कहानी को नए अंदाज में पेश करने की तैयारी में तो नहीं है? एकता ने अपने शो में उन स्टार्स को मौका दिया है जो टीवी के जाने माने चेहरे हैं, फिर चाहे हीरो के रूप में फहमान हो, हीरोइन स्वर्धा हो या फिर विलेन आकाश हो। देखा जाए तो ऐसा पहले हुआ करता था जहां हीरो हीरोइन होते थे और उनमें विलन होता था। ऐसे में क्या एक बार फिर से एकता ने नई बोतल में पुरानी शराब परोसने की तैयारी तो नहीं की? यानी कि एक ऐसी लव स्टोरी जिसमें विलन अक्सर हीरो हीरोइन की जिंदगी तबाह करता नजर आता है और उन्हें दूर करने की कोशिश करता है। देखा जाए तो एकता कपूर के शोज में रोमांटिक स्टोरी तो भरपूर दिखती है, जो मिलते हैं, प्यार होता है, विलन आता है और बिछड़ जाते हैं। कहने को सिंपल सा लगता है, लेकिन एक वक्त पर एकता ने अपने शोज में ऐसी कहानी दिखाकर टीवी क्वीन का दर्जा हासिल कर लिया। ऐसे में क्या अपने इसी फॉर्मूला के सहारे एकता फिर कमाल करना चाहती है? बल इतना तो साफ है कि एकता इस बार एक ऐसी लव स्टोरी लाएंगी जो जनता को इम्प्रेस कर सके, क्योंकि खुद एकता भी लंबे वक्त से एक हिट शो की तलाश में। ऐसे में अब देखना यह है कि इस बार एकता के दिमाग में ऐसी क्या नई कहानी है जो टीवी पर धमाल मचा कर ही रहेगी। बता दें कि ऐसी खबरें भी सामने आई है कि फहमान खान ने शो का पहला प्रोमो शूट कर लिया है जो जल्द ही सामने आएगा, यानी कि प्रोमो से एकता के इस नए शो की कहानी का बड़ा खुलासा भी हो सकता है। हालांकि अब देखने वाली बात ये है कि क्या एकता का ये नया दाम जबरदस्त होगा? आपको क्या लगता है, कैसी हो सकती है इस शो की कहानी? जरूर बताइए, शेयर कीजिए अपनी ओपिनियन हमारे साथ नीचे कमेंट सेक्शन में।